फोकस एक कंपनी पर NIIT इसके दिसंबर तिमाही के नतीजे आए हैं और खराब प्रदर्शन दिखा है। मुनाफा 56% गिर गया, मार्जिन 6.25% से गिरकर 3% रह गया। बाजार तो उम्मीद कर रहा था 8% का मार्जिन कंपनी डिलीवर करेगी। आखिर क्या हुआ है इस तिमाही में, इसी पर और डिटेल ले लेते हैं। वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर विजय थराड़ी हमारे साथ है। थराड़ी साहब, उम्मीद तो थी कि एक बेटर क्वार्टर रहेगा, लेकिन हुआ क्या है? मार्जिन 3% पर हाफ होते हुए इतनी भारी गिरावट मुनाफे में। हाँ जी, तो इस क्वार्टर में सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो डिमोनेटाइजेशन का रहा है। आपको मालूम है हमारा डोमेस्टिक बिजनेस जो है उसके अंदर काफी फर्क पड़ गया, बिकॉज 70% ऑफ आर बिजनेस इज ट्रांजैक्टेड इन कैश, और क्योंकि कैश की शॉर्टेज की वजह से स्टूडेंट्स की एनरोलमेंट, स्टूडेंट्स की इंस्टॉलमेंट्स काफी डिले हो गई। दूसरी बात की बैंकिंग, जो हमारा बहुत लार्ज ट्रेनिंग है, बैंक के एम्प्लॉयज अवेलेबल नहीं थे क्योंकि वो सब बिजी थे फील्ड के अंदर, तो बैंक्स ने बहुत सारे पोस्टपोन कर दिए अपने कोर्सेज, बहुत सारी बैंक्स ने अपने कोर्सेज पोस्टपोन कर दिए कि भाई वो अब आप फोर्थ क्वार्टर या फर्स्ट क्वार्टर नेक्स्ट ईयर में करिएगा। तो उन सब चीजों को मिलाते हुए रेवेन्यू के ऊपर फर्क पड़ा, और रेवेन्यू क्योंकि आपको मालूम है ये ऑपरेटिंग लेवरेज का बिजनेस है, हाई ऑपरेटिंग लेवरेज का बिजनेस है, हाई फिक्स्ड कॉस्ट का बिजनेस है, तो उसकी वजह से मार्जिन के ऊपर उसका असर थोड़ा ज्यादा पड़ा। पर इन रिजल्ट्स में क्या विजिबल नहीं है कि कॉर्पोरेट लर्निंग ग्रुप जो हमारा बिल्कुल रॉक स्टडी रहा है, वो 14% करंट कांस्टेंट करेंसी के बेसिस पे ग्रो किया इस क्वार्टर के अंदर, और थोड़ा सा पाउंड की वीकनेस की वजह से उनकी ग्रोथ रेट कम दिख रही है। उन्हें काफी अच्छे ऑर्डर्स मिले, 3 नए कस्टमर्स और $221 मिलियन की रेवेन्यू विजिबिलिटी हो गई है आगे के लिए, तो वो काफी स्ट्रांग फंडामेंटल्स हैं और वो बिल्कुल ठीक उस पे अपनी ट्रेजेक्टरी पे चल रहे हैं। लर्निंग में आगे तो आपको क्या लग रहा है, क्या ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्या गाइड करेंगे आप कॉर्पोरेट लर्निंग के लिए? तो कॉर्पोरेट लर्निंग के लिए हमने गाइड किया हुआ साल के शुरू से कि ग्रोथ जो है 15% प्लस रहेगी, और अब भी वही कह रहे हैं कि वो ग्रोथ जो है 15% प्लस ही रहेगी। इस टाइम पे Q3 के एंड में वो ग्रोथ जो है 18% है, तो वी आर ऑलरेडी अहेड ऑफ आवर नंबर्स इन मेनी मेनी वेज। ओके थदानी साहब, लेकिन स्किल्स बिजनेस जिसमें आपने कहा डिमोनेटाइजेशन का बड़ा झटका लगा है, क्योंकि ये एक बार हुआ है तो इस क्वार्टर को आप एबरेशन समझें, लेकिन क्या इसका आप गाइडेंस दे पाएंगे कि क्या ये जो भी बिजनेस आपने लूज किया है नवंबर दिसंबर के महीने में उसकी भरपाई हो पाएगी कमिंग क्वार्टर में? कमिंग क्वार्टर में मेरे हिसाब से अभी तक हालांकि सिचुएशन बहुत इंप्रूव हो गई है, पर इस क्वार्टर में भी और सब कंपनीज के साथ एक ही बात हो रही है, जितनी भी कंपनीज कंज्यूमर स्पेंडिंग के ऊपर डिपेंड करती हैं उनको एक ही ये प्रॉब्लम आ रही है, पर सबकी रिकवरी हो रही है। पर पूरी रिकवरी इस क्वार्टर में, ये अज्यूम करना कि ऑल 90 डेज विल बी इन द रिकवरी पीरियड विल बी रॉन्ग। सो रिकवरी इज टेकिंग प्लेस एंड टेकिंग प्लेस रैपिडली, सो देर विल बी सम इम्पैक्ट इन दिस क्वार्टर, बट दिस क्वार्टर पॉजिटिवली दिस बिजनेस विल बी इन पॉजिटिव ग्रोथ एरिया, इट विल नॉट डी ग्रो लाइक इट ग्रो इन दैट हैपेंड इन लास्ट क्वार्टर। रिकवरी में थोड़ा टाइम लग सकता है स्किल बिजनेस के लिए, लेकिन कॉर्पोरेट लर्निंग 15% तक के रेवेन्यूज ये कमाएंगे, इसमें ग्रोथ रहेगी, ये गाइड कंपनी ने पहले किया है और वो ऑन ट्रैक है गाइडेंस। शुक्रिया थदानी साहब हमारे लिए समय निकालकर अपनी राय देने के लिए। तो डीमोनेटाइजेशन का झटका NIIT के नंबर्स में और वो स्टॉक आपके सामने 6% नीचे। लेकिन ब्रेक से पहले हमने 2-3 सवाल आइडेंटिफाई किए थे, काफी चिंतित है लोग। कृष्ण कुमार ने UPL में 744 की पोजिशन ले रखी है, टाटा एलेक्सी 1542 का ये